की एबिलिटी से मिल जाएगा। अब टाउन हॉल मिल पाएगा क्या भाई, वो देखने लायक है। यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी दे दी, स्कैटर शॉट मिल गया, यहाँ पे आरसी भी मिल गई, एक इनविजिबिलिटी स्पेल बचा है। ओ भाई यहाँ पे टाउन हॉल मिल जाएगा मेरे हिसाब से। क्या क्या ही रिकवरी थी भाई, ये मानना पड़ेगा। यहाँ हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो डायरेक्टली आते हैं आज के इस वीडियो के ऊपर। एंड यहाँ पे अभी क्वीन वॉकर्स वर्सेस MCES की मैच शुरू है। मैंने इसके पहले भी इनके ऊपर एक वीडियो अपलोड किया हूँ, बट वो दूसरी टूर्नामेंट का था एंड ये दूसरी टूर्नामेंट है। तो देखते हैं आज की ये मैच कौन जीतेगा। अब आगे बढ़ने से पहले, आप में से जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ या जब भी स्ट्रीम करूँ तो आपको टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब यहाँ पे क्वीन वॉकर्स के साइड से पहला अटैक कर रहे हैं स्टारड्रा एंड ये लेके आया सुपर विचेस। तो इन्होंने देखो यहाँ पे वार्डन डिप्लॉय किया डायरेक्टली 230 पे, जो कि थोड़ा सा गलत है, क्योंकि देखो अगर इनकेस वहां पे टेस्ला फार्म निकल जाता, बहुत सारे टेस्लास रहते या ट्रैप्स वगैरह रहते, तो होता ही है कि इनकी वार्डन की एबिलिटी फोर्स हो जाती, जो कि फिर बाद वाले अटैक में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका प्लान है कि वार्डन वॉक से टाउन हॉल लिया जाए एंड इन्होंने विजार्ड वगैरह ड्रॉप करके फनल कर लिया, मिनियन भी ड्रॉप किया है ताकि बिल्डिंग्स जल्दी क्लियर हो। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। देखो इनका जो स्पेल कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे इन्होंने लाइटनिंग स्पेल एक भी नहीं लिया है, यहाँ पे इन्होंने 3 रेज स्पेल लिया है, 2 जंप स्पेल है, 2 फ्री स्पेल है एंड एक क्लोन स्पेल, क्लोन बोल रहा है, इनविजिबिलिटी स्पेल है, और इन्होंने एक भी पॉइजन स्पेल भी नहीं लिया है। अब देखो टाउन हॉल पे आ गया वार्डन, टाउन हॉल को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है, तो इन्होंने एक रेज स्पेल डिप्लॉय कर दिया ताकि वार्डन की एबिलिटी फोर्स ना हो। फिर उसके बाद ये एंटर कहां से करते हैं वो देखते हैं अपनी मेन आर्मी। मेरे हिसाब से ये जाएंगे सीधा सिंगल इन्फर्नो टावर वाले सेक्शन में। तो यहाँ अच्छा वहां नहीं गए, इन्होंने क्वीन डिप्लॉय की 3:00 पे, और इनका प्लान ऐसा है कि स्कैटर शॉट वाले सेक्शन से एंटर किया जाए, ठीक है, और एक दो टेस्ट बलून भी ड्रॉप किए ताकि कोई ब्लैक माइंस है या नहीं वो चेक हो जाए। एंड इन्होंने किंग और सीज बैराक डिप्लॉय किया, किंग डिप्लॉय किया था 5:00 पे एंड सीज बैराक डिप्लॉय किया है 6:30 पे। तो फनल वगैरह प्रॉपरली हो गया, यहाँ सीसी ट्रूप बाहर आ गया, बट यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी फोर्स हो गई क्योंकि इन्होंने पॉइजन नहीं लाया था एंड हेड एंटर एकदम भाग के आ गए क्वीन की तरफ, तो एबिलिटी फोर्स हो गई। अब तक ठीक दिख रहा है अटैक, ठीक है। एक्सबो को फ्रीज कर लिया क्योंकि वो क्वीन को टारगेट कर रहा था एंड जो हीलर्स है वो स्विच हो गई है सुपर विचेस और वार्डन वगैरह पे, तो इसलिए इनको एक्सबो को फ्रीज करना पड़ा। अब तक काफी सॉलिड दिख रहा है ये अटैक, मतलब सुपर विचेस वगैरह स्प्लिट नहीं हुई, सिर्फ एक विच बाहर गई है, बाकी पूरी कोर में गई। एंड सीसी में इन्होंने वेलकायरी लेके आए थे। अब वेलकायरी लेने का रीजन ये होता है कि वो 2 बिल्डिंग्स को एट ए टाइम सेम एक ही टाइम पे टारगेट कर सकती है बिल्डिंग्स के बीच में घूम के, ये उनकी एबिलिटी होती है। तो अब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अटैक काफी क्लोज होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 50 सेकंड बचे हैं एंड यहाँ पे देखो ज्यादा कुछ बचा नहीं है इनके ट्रूप्स में। इनके पास 2 या 3 सुपर विचेस बची हुई है, 3 सुपर विचेस, वार्डन बचा है, एनिमी क्वीन अभी भी जिंदा है, या आरसी की एबिलिटी भले ही बची हो, बट यहाँ पे देखो टाइम काफी कम बचा है। ये अटैक में प्रॉब्लम यही होता है कि आपको टाइम का इशू बहुत ज्यादा होता है स्टार्टिंग में। अगर आप स्टार्टिंग में टाइम आपका ज्यादा आपने कंज्यूम कर लिया तो यहाँ पे टाइम फेल का इशू बहुत ज्यादा होता है ये अटैक में। तो देखो यहाँ पे काफी क्लोज होगा ये अटैक, यहाँ पे अभी नियर अबाउट 10-12 बिल्डिंग्स बची है एंड यहाँ पे स्पेल्स में स्पेल्स तो छोड़ो, यहाँ ट्रूप्स में सिर्फ 2 सुपर विचेस और बिग बॉयज बचे, एक विजार्ड है, आरसी बची हुई है, 14 सेकंड बचे हैं। यहाँ पे ट्रिपल होगा क्या, ये 11-10 भाई 98 हो सकता है ये, मे बी मेरे हिसाब से टाइम फेल होगा ये शायद से, देखते हैं। 4-3-2-1 भाई ये 98% पे आके रुक गया। अब यहाँ पे MCES के साइड से पहला अटैक कर रहे हैं किंग्समैन एंड ये अटैक कर रहे हैं स्टारड्रा के ऊपर। तो अब भी जस्ट क्वीन वॉकर्स के साइड से स्टारड्रा ने अटैक किया किंग्समैन पे एंड अब किंग्समैन अटैक कर रहे हैं स्टारड्रा के ऊपर, तो मे बी शायद ये रिवेंज लेने का ट्राई कर रहे हैं। एंड इनका प्लान है, ये लेके आया क्वीन चार्ज हाइब्रिड एंड दिस टाइप से इन्होंने शुरुआत की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वीन वॉक से टाउन हॉल लेने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखते हैं इनको टाउन हॉल मिल पाता है क्या एंड ये क्वीन कहां से एंटर करवाएंगे अंदर। अब टॉप साइड में देखो एक मल्टी इन्फर्नो है एंड 2 ग्राउंड एक्सपोज है, तो यहाँ पे क्वीन टर्न होके अंदर आ गई क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली फनल कर लिया था, ठीक है, और इनको 2 रे जब स्टार्टिंग में यूज करना पड़ गया क्योंकि वहां पे सीसी भी था एंड क्वीन पे काफी ज्यादा डैमेज आ रहा था। बट अच्छी बात यह है कि क्वीन की अभी तक एबिलिटी यूज नहीं हुई है एंड इन्होंने टेस्ट बलून ड्रॉप करके चेक भी कर लिया कि कोई ब्लैक माइंस वगैरह है या नहीं, तो ये अच्छी बात है। ये देखो और एक टेस्ट बलून डिप्लॉय किया इन्होंने, यहाँ पे भाई पूरे स्केलेटन स्पेल्स है, देखो 2 ग्राउंड स्केलेटन स्पेल और निकल के आ गए।
देखो यहाँ पे और एक ब्लैक माइन, तो ये काफी अच्छा हुआ कि इन्होंने टेस्ट बलून ड्रॉप किया, तो ब्लैक माइन ट्रिगर हो गई एंड इनकी हीलर बच गई। अब वॉल ब्रेक कर रहे टाउन हॉल सेक्शन में, अब क्वीन ले लेगी टाउन हॉल। एंड देखो क्वीन ने जैसे ही टाउन हॉल को टारगेट करना स्टार्ट किया तो इन्होंने तुरंत एकदम हाइब्रिड स्टार्ट कर दिया। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका अटैक काफी अच्छा जाता है बट एंड में जाके वो टाइम फेल हो जाता है, तो इसलिए आपको टाइम का भी ध्यान रखना होता है। तो इन्होंने यहाँ पे वो परफेक्टली किया, जैसे ही सीसी मिला, टाउन हॉल मिल गया, तो इंस्टेंटली इन्होंने हाइब्रिड स्टार्ट कर दिया एंड अभी तक अटैक ही काफी सॉलिड दिख रहा है। वार्डन की एबिलिटी, पहला हील स्पेल सब परफेक्ट था, यहाँ पे पूरे ऑलमोस्ट पूरे ट्रूप्स कवर हो गए। उसके बाद अब देखो उसके बाद कैसा होगा ये अटैक। देखो यहाँ क्वीन की एबिलिटी अभी भी बची है, यहाँ आरसी की एबिलिटी बची है एंड सीसी में से हॉक्स निकल के आ गए। आरसी की एबिलिटी सही थी, एकदम सही टाइम पे दी इन्होंने ताकि टेस्ला फार्म क्लियर हो गया एंड आरसी फिर डायरेक्टली स्विच हो गई जो कोर में स्कैटर शॉट बचा हुआ था वो। क्योंकि इस आर्मी में ऐसा होता है कि जो ऐसी बिल्डिंग्स है, ऐसे डिफेंसेस है जो काफी ज्यादा स्प्लैश डैमेज करे, वो अगर आपको मिल जाए अपने हीरोज से तो काफी अच्छा होता है। तो देखो स्कैटर शॉट वगैरह मिल गया, ये इजीली तीन हो गया। यहाँ पे देखो कितने सारे ट्रूप्स बचे, नियर अबाउट कितने 8 या 9 हॉक्स बचे हैं, काफी सारे माइनर्स बचे हैं। यहाँ पे क्वीन मर गई बट आरसी, वार्डन, किंग, पेका, बहुत सारे विजार्ड्स सब जिंदा है, तो काफी सॉलिड अटैक था ये भी एंड ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्वीन वॉकर्स के साइड से सेकंड अटैक कर रहे हैं गाकू एंड ये लेके आए मास इन्फर्नो ड्रैगन विद स्केलेटन स्पेल एंड इन्होंने दो लाइटनिंग स्पेल भी लाए थे। तो इन्होंने क्या किया, वो दो लाइटनिंग स्पेल से दो जो कोर में दो स्वीपर थे तो इनको दोनों स्वीपर मिल गए एंड अब इन्होंने आर्मी अपनी पूरी डिप्लॉय कर ली टाउन हॉल साइड में, हीरो से फनल किया एंड दूसरे साइड से ई ड्रैगन से फनल किया और एक स्केलेटन स्पेल। अब देखो ये आर्मी में होता यही है कि आपके जैसी मेन आर्मी आगे प्रोसीड करती है बेस में तो आपको डिफेंसेस को डिस्ट्रैक्ट करना होता है ताकि इन्फर्नो ड्रैगन पे डैमेज ना आए डिफेंसेस का, क्योंकि इन्फर्नो ड्रैगन वाली ये देखो ये आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बट इसमें एक बात ऐसी है कि जो इन्फर्नो ड्रैगन के हिट पॉइंट्स होते हैं वो काफी कम होते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ टाउन हॉल वगैरह मिल गया, फनल एकदम प्रॉपर थी एंड देखो अभी भी पूरी आर्मी यहाँ पे कोर में है भाई, टाइम देखो कितना ज्यादा बचा है। ये आर्मी की खासियत यही है कि अगर ट्रिपल होना है तो बहुत जल्दी ट्रिपल हो जाता है। अभी तक इनका स्लैमर पॉप नहीं हुआ, इनके पास एक फ्री स्पेल बचा है, इन्होंने आरसी डिप्लॉय कर दी स्कैटर शॉट सेक्शन में। भाई ये मुझे लग रहा है कि ये एकदम अलग ही काफी जल्दी हो जाएगा ये ट्रिपल, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या क्या बचा है, यहाँ आरसी की एबिलिटी बची है, क्वीन की एबिलिटी बची है और यहाँ नियर अबाउट आप बोल सकते हो कि 8-9 इन्फर्नो ड्रैगन्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो आरसी की एबिलिटी अभी भी बची है, मे बी स्वैग हो जाए, नहीं स्वैग नहीं किए इन्होंने। और यहाँ पे देखो टाइम देखो कितना बचा है, 1 मिनट 40 सेकंड और ये हो गया ट्रिपल। मतलब भाई कितना फास्ट अटैक है ये और काफी ज्यादा स्ट्रांग अटैक है ये, बस आपका कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए ये अटैक पे। फिर एमसीएस के साइड से सेकंड अटैक कर रहा है अरियम एंड ये लेके आए यहाँ पे ब्लिजर्ड लावा लून। तो इनका प्लान क्या है वो देखते हैं, इन्होंने लावा डिप्लॉय किया यहाँ 430 पे एंड ब्लिम डिप्लॉय की, तो ब्लिम ये पहुंचाना चाहते हैं एक्सबो सेक्शन में जो कि मल्टी इन्फर्नो एंड ईगल के बीच में, तो वहां तक सेफली ब्लिम पहुंच गई। अब इनको काफी सॉलिड वैल्यू मिल जाएगी अगर इनका स्पेल का टाइमिंग प्रॉपर होता है तो, जो कि अब तक काफी अच्छा दिख रहा है मुझे। मल्टी इन्फर्नो मिल गया, ईगल मिल गई, बाहर के सेक्शन के डिफेंसेस मिल गए, क्वीन देखते हैं मिल पाती है क्या यहाँ पे, क्लोज होगा काफी, देखते हैं। क्वीन क्वीन क्वीन, चलो क्वीन भी मिल गई एंड सीसी भी बाहर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने 3 o'clock पे एक आर्चर डिप्लॉय किया बट वहां पे टेस्ला था तो टेस्ला ले लिया एक बलून ड्रॉप करके और सुपर गॉब्लिन से एक फनल कर ली 4 o'clock पे एक गॉब्लिन ड्रॉप करके। तो सीसी से ये लावा लेने का ट्राई करेंगे। अब आप में से कुछ लोग जो अभी अभी न्यू सब्सक्राइब किए होंगे, कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं 3 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock ये क्या बोलता हूँ, तो इसके लिए मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया हूँ कुछ दिन पहले, तो आप चैनल ओपन करना, वहाँ कम्युनिटी सेक्शन में जाना एंड आप स्क्रॉल डाउन करना तो आपको पोस्ट दिख जाएगा एंड ये जो इसको लेके जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इनका सीसी इनको मिल गया, फिर इन्होंने किंग वगैरह डिप्लॉय किए एंड अब ये देखो ये मेरे हिसाब से इनका प्लान ये है कि ये टाउन हॉल लेना चाहेंगे अपने हीरो से, किंग और क्वीन से, तो अब तक काफी सही जा रहा है। अब वॉल ब्रेक कहाँ कर, ये देखो यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ पे वॉल ब्रेक थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि टाउन हॉल वाला सेक्शन अब ओपन नहीं हुआ तो क्वीन तो अंदर जाएगी नहीं एंड सिंगल इन्फर्नो लॉक हो गया था क्वीन पे, तो इनको एक फ्रीज भी वहां यूज करना पड़ा बट फिर भी काफी अच्छी वैल्यू मिल गई है क्वी। अच्छा वो सेक्शन के बीच में यार टोर्नाडो था बट अब इनको हीरो से नहीं मिलेगा, हीरो से अब इनको टाउन हॉल नहीं मिलेगा तो इनको बलून्स यूज करना पड़ेगा। इन्होंने देखो यहाँ पे डायरेक्टली फ्लाइट यानी कि लावा लून स्टार्ट कर दिया टाउन हॉल साइड से, काफी सारे बलून्स डिप्लॉय किए, वार्डन डिप्लॉय किया। अब हेज देखिए वार्डन की एबिलिटी दे देंगे, ठीक है यहाँ पे टाउन हॉल मिल गया
फिर बाकी का जो सेकंड लावा था और बाकी के जो बलून्स थे बचे हुए वो इन्होंने सर्जिकली डिप्लॉय किए 9:00 से 10:30 के बीच में। दो स्कैटर शॉट अभी भी बचे हैं, फ्रीज एक ही फ्रीज बचा है, देखते ये काफी क्लोज हो सकता है। अगर स्कैटर शॉट भाई बलून्स को खा ले या मार ले तो काफी क्लोज होगा ये अटैक, प्रॉब्लम हो सकती है। देखो वो स्कैटर शॉट अभी भी एक बचा हुआ है भाई। ये अच्छी चीज ये हुई यहाँ पे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, मतलब वार्डन पे स्विच हो गया तो बलून्स बच गए यहाँ पे, नहीं तो ये होता ही नहीं था टीम। अब यहाँ बैक एंड में यानी कि 6:00 पे टेस्ला फार्म भी है, बट इनके पास दो बलून्स बचे ही हुए हैं। टाइम का इशू होगा क्या, क्लोज हो सकता है क्योंकि देखते हैं काफी ज्यादा बिल्डिंग्स बची है यहाँ पे एंड क्लीन अप के ट्रूप्स तो सही है बट फिर भी क्लोज हो सकता है, देखते हैं। कुछ बताते नहीं आता ये स्ट्रेटेजी में भी। 19-20 सेकंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा अभी क्योंकि 15-20 सेकंड बचे हैं एंड यहाँ पे एक ही बिल्डिंग थी तो ये भी काफी सॉलिड अटैक था। अब यहाँ पे क्वीन वॉकर्स के साइड से थर्ड अटैक कर रहे हैं स्टार्स और ये भी लेके आए सुपर विचेस। बस ये अटैक का भाई प्रॉब्लम ये है कि इसमें टाइम फेल का बहुत इश्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज किया, इन्होंने यहाँ पे लाइटनिंग स्पेल लाए हुए हैं एंड लाइटनिंग स्पेल से ये दो ग्राउंड एक्सबो और स्कैटर शॉट ले लेंगे। बट इनकी स्पेशलिटी ऐसी है कि ये लावलून स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छे है। पता नहीं मुझे ये कि क्यों ग्राउंड अटैक कर रहे हैं स्ट्रैटेजी में, जबकि ये बेस में यहाँ पे 4 एक्सबो ग्राउंड मोड में भी है, ठीक है। बस बैकएंड में 3 इन्फर्नो मल्टी मोड में है, तो मे बी वो ही सोच के ये यहाँ पे लावलून नहीं कर रहे शायद से, देखते हैं। यहाँ पे टेस्ला फार्म भी पॉपअप हो गया बट अब ठीक है, इन्होंने अब ये डायरेक्ट एंटर करवाना चाहते हैं अपनी सुपर विचेस टाउन हॉल के सेक्शन में। यहाँ पे देखो वो एयर डिफेंस बच गया है अंदर वाले सेक्शन में जो कि प्रॉब्लम दे सकता है हीलर्स को। वॉल ब्रेक हो गया, फनल भी प्रॉपर था यहाँ, तो सुपर विचेस और क्वीन अंदर जाएंगी। अब यहाँ सीसी, ये देखो सीसी लोअर हो गया एंड यहाँ एयर डिफेंस भी टारगेट कर रहा है हीलर्स को, तो ये भाई ये अच्छा नहीं है। और ये देखो ये हेड एंटर भी लॉक हो गए वार्डन पे, ये लो वार्डन की एबिलिटी गई यहाँ पे जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है एंड टाउन हॉल भी ट्रिगर हो गया। अब जंप स्पेल ये यूज करेंगे कोर में जाने के लिए, ठीक है ये अच्छा था। बट ये देखो ये सुपर विचेस भी भाई स्प्लिट हो गई, ये आज लकी नहीं है क्वीन वॉकर्स के साइड से, ऐसा समझ लो कि किस्मत ही नहीं है भाई क्वीन वॉकर्स के साइड से। अब सीसी में इन्होंने लिया है पेका और येती लिया और एक विजार्ड थी शायद से, और कुछ विजार्ड्स थे। आरसी अभी तक डिप्लॉय नहीं की है बट यहाँ पे अभी भी एक रेज स्पेल बचा है, क्वीन की एबिलिटी बची है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये ट्रिपल हो सकता है। ये अटैक की खासियत यही है कि यहाँ पे देखो जो सुपर विचेस होती है उसकी हिट पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं एंड कितनी बची है यहाँ पे सुपर विचेस, यहाँ पे शायद से मेरे हिसाब से 2 बची है कि नहीं है, 1 सुपर विच बची है अभी एंड आरसी इन्होंने डिप्लॉय कर दी है 3:00 साइड से मल्टी इनफर्नो पे, तो ये अभी भी 3 होने के काफी ज्यादा चांसेस है। होगा क्या 3, यहाँ पे 50 सेकंड बचे, क्वीन की एबिलिटी बची है, आरसी की एबिलिटी दे दी तो मल्टी इनफर्नो मिल जाएगा। क्वीन की एबिलिटी दे दी बट यहाँ बॉम्ब भाई जायंट बॉम्ब था, टोर्नाडो भी यहीं पे है। ये देखो यही रीजन हो सकता है कि इन्होंने यहाँ पे लावलून वाला अटैक नहीं किया, क्योंकि जो पीछे का सेक्शन था 3 इनफर्नो वाला वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैप्स थे, ठीक है। आरसी की एबिलिटी भाई ये हीलर्स क्या कर रही है यार, हीलर्स देखो सुपर विचेस भी थी तो यहाँ पे क्वीन मर गई एंड आरसी भी मर गई, तो अब सिर्फ एक सुपर विच बची है, एक है कि 2 है, एक ही सुपर विच बची है और बिग बॉयज बचे हैं भाई, क्लोज होगा काफी। ये देखो 15 सेकंड बचे हैं एंड यहाँ पे 5 बिल्डिंग्स है, 6 बिल्डिंग, तो 10 फिर 9, 8, 7 मुझे लग रहा है ये भी टाइम फेल हो जाएगा, लगता है आज किस्मत ही नहीं है भाई क्वीन वॉकर्स के साइड। तो ये देखो ये भी 98 पे टाइम फेल हो गया। फिर अब नेक्स्ट अटैक MCES के साइड से कर रहे हैं ट्राई हार्ड एंड ये लेके आए मास विचेस विद लाइटनिंग स्पेल, जो कि काफी कम देखने मिलता है जब से अपडेट आई है, क्योंकि हुआ ये कि जो पहले ऐसा था कि सिर्फ 5 लाइटनिंग स्पेल लगते थे एंड स्कैटर शॉट डिस्ट्रॉय हो जाता था, तो अपडेट के बाद ऐसा हुआ कि अब स्कैटर शॉट को 6 लाइटनिंग स्पेल लगने लगे। तो इन्होंने देखो क्या किया, स्कैटर शॉट ले लिया जैसा कि मैंने सोचा था और इनको एक एक्सबो भी मिल गया एंड इन्होंने फनल वगैरह भी प्रॉपर कर ली, तो मेरे हिसाब से इनका प्लान ये है कि ये जो पूरी आर्मी है ये टाउन हॉल सेक्शन में एंटर करवाना चाहते हैं, तो अब देखते हैं ये होगा क्या, मतलब प्रॉपरली कर पाते वो कि नहीं, ठीक है। अब तक काफी सॉलिड है, स्टार्ट वगैरह एकदम सॉलिड हुआ यहाँ पे एंड ये देखो इन्होंने यहाँ पे एक आइस गोलेम डिप्लॉय किया 10:00 पे और वहीं पे टेस्ला फार्म पॉपअप हो गया, तो ये किस्मत बोल सकते हो आप कि इन्होंने आइस गोलेम यूज किया
नहीं तो होता ये था कि अगर वहां किंग या क्वीन वगैरह डिप्लॉय करते तो मे बी डायरेक्टली एबिलिटी फोर्स हो जाती। फिर इन्होंने किंग डिप्लॉय किया बैराक पे 11 o'clock पे एंड सीज बैराक डिप्लॉय किया है 12 o'clock पे। और अब सुपर वॉल ब्रेकर एक बचा है तो ये डिप्लॉयमेंट एकदम परफेक्ट था एंड ये टाउन हॉल वाली सेक्शन वॉल ओपन कर देगा। रेज का डिप्लॉयमेंट भी एकदम परफेक्ट था, काफी सॉलिड जा रहा है ये अटैक। यहाँ पे देखो टेस्ट बलून भी डिप्लॉय कर लिया तो हीलर्स बची रहेंगी। यहाँ पे वार्डन की एबिलिटी अभी तक नहीं दी इन्होंने, भाई लो टाउन हॉल भी बर्स्ट हो गया यहाँ पे एंड इन्होंने अभी तक वार्डन की एबिलिटी नहीं दी। किंग की एबिलिटी यूज हुई, टोर्नेडो आ गया वहां पे, अब जाके इन्होंने वार्डन की एबिलिटी दी तो इससे हुआ ये कि जो किंग के जो बार्बेरियंस थे छोटे वाले वो भी बच गए। सीसी में यहाँ लावा था बट विचेस और सुपर विचेस के साथ होता ऐसा है कि आपको पॉइजन स्पेल की जरूरत उतनी पड़ती नहीं है, ठीक है। एंड आरसी भी इन्होंने डिप्लॉय कर दी स्कैटर शॉट सेक्शन में 2 o'clock पे। तो अब इनको भाई और एक रेज बचा था तो रेज भी दे दिया, जंप भी दे दिया एकदम, मतलब भाई ये अलग ही लेवल का लग रहा है अटैक ये। तो यहाँ पे काफी सारे विचेस बचे, भली हीलर्स मर गई बट स्प्लैश डैमेज की उतनी बिल्डिंग्स बची नहीं अब, खासकर स्कैटर शॉट जो कि बहुत प्रॉब्लम देता है विचेस को। ऐसा होता है, रीजन ये है कि लोग स्कैटर शॉट इसलिए लेते हैं लाइटनिंग स्पेल से विच अटैक में, क्योंकि जो स्कैटर शॉट का शॉट होता है वो एक ही शॉट में विचेस ऑलमोस्ट मर जाती है अगर वो वार्डन के इसमें ना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हो गया, ये भी ओवरकिल है। यहाँ पे देखो कितनी सारी विचेस बची है, मे बी नियर अबाउट 8 या 10 विचेस बची होंगी। यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी बची है एंड स्केलेटन्स तो देख लो भाई, 2-3 crore स्केलेटन्स होंगे यहाँ पे, मेरे हिसाब से गिन भी नहीं सकते आपकी इतने स्केलेटन्स है यहाँ पे। तो ये भी ओवरकिल हो गया एंड ये भी बहुत अच्छा अटैक था, काफी अच्छा लगा मुझे। अब नेक्स्ट अटैक क्वीन वॉकर्स की साइड से कर रहे क्लॉज, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है क्लैश ऑफ क्लैंस में एट द मोमेंट, एंड ये कर रहे जैप लावलून। और इनका प्लान क्या, देखो इन्होंने यहाँ पे जैप से लाइट यानी कि लाइटनिंग स्पेल से 2 एक्सबो ले लिए और एनिमी क्वीन ले ली और एक जायंट ड्रॉप कर लिया, तो उससे ये होगा कि सीसी लियोर हो जाएगा। सीसी में यहाँ क्या है, देखो यहाँ पे सीसी में बहुत सारे आर्चर्स है एंड लावा है तो सीसी लियोर हो गया एंड इन्होंने सीसी बार बुला लिया यहाँ पे 9 o'clock पे और एक बलून ड्रॉप कर लिया था यहाँ पे मोर्टार पे जो कि है समझ लो आप बोल सकते 10:30 पे। तो इसका 2 reason थे, एक रीजन ये था कि वहां चेक करने को कि वहां टेस्ला फार्म ट्रैप्स वगैरह तो नहीं है, भले इनको मोर्टार लेना नहीं था एक्चुअल में बट वो चेक हो गया। और फिर यहाँ पे इन्होंने क्वीन से और बेबी ड्रैगन से लावा ले लिया और पब्स के लिए पॉइजन डिप्लॉय कर, भाई अब देखो यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं वॉल रेकर टाउन हॉल के लिए, ठीक है, जो कि उतना। और यहाँ पे 3 goblin से ये स्टोरेज क्लियर कर लेंगे, भाई नॉर्मल goblin कौन यूज करता है ऐसे इस वे में। यहाँ टेस्ला, भाई टेस्ला भी आ गया वहां पे, ये मिल पाएगा क्या इनको टाउन हॉल, टाउन हॉल मिल पाएगा क्या, जायंट वायंट यतीज है, बहुत सारे स्केलेटन्स है वहां पे, मिल पाएगा क्या टाउन हॉल, टाउन हॉल मिल पाए, ओ भाई यहाँ पे इनको टाउन हॉल ही नहीं मिला। अब देखते हैं ये कैसे रिकवर करते हैं, अडाप्ट कर पाते क्या वो देखते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने वॉल ब्रेक कर लिया तो किंग जाएगा अब सिंगल इन्फर्नो सेक्शन में एंड लॉक हो गया था सिंगल इन्फर्नो किंग पे तो इनको फ्रीज यूज करना पड़ेगा। आरसी डिप्लॉय की इन्होंने 7 o'clock पे तो किंग की एबिलिटी भी दे दी, अब फनल प्रॉपरली हो गया यहाँ एंड और एक सुपर वॉल ब्रेकर डिप्लॉय किया तो वो अंदर वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा वॉल्स। आरसी की एबिलिटी बची है, यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी बची है, अब टेस्ला फार्म है यहाँ पे 5 o'clock पे तो आरसी की एबिलिटी से मिल जाएगा। अब टाउन हॉल मिल पाएगा क्या भाई वो देखने लायक है। यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी दे दी, स्कैटर शॉट मिल गया, यहाँ पे आरसी भी मिल गई, एक इनविजिबिलिटी स्पेल बचा है, ओ भाई यहाँ पे टाउन हॉल मिल जाएगा मेरे हिसाब से। क्या क्या ही रिकवरी थी भाई, ये मानना पड़ेगा यहाँ पे। फिर इन्होंने इंस्टेंटली यहाँ पे लावलून स्टार्ट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज वे में, आप बोल सकते हो 4 o'clock के साइड से। और इन्होंने यहाँ पे कुछ बलून्स भी डिप्लॉय किए थे टाउन हॉल पे कि अगर इनकेस टाउन हॉल नहीं मिलता तो, बट मिल गया टाउन हॉल। तो ये परफेक्ट थी यहाँ एबिलिटी, जितने भी बलून्स डिप्लॉय किए थे पूरे वार्डन की एबिलिटी के अंदर आ गए। एंड अब एक हेज स्पेल बचा है भाई, ये 3 हो गया, मतलब अब क्या ही बोलोगे आप। देखो यहाँ पे जो इनका प्लान था प्लान के हिसाब से अटैक हुआ नहीं, टाउन हॉल इनको लेना था वॉल रेकर से तो वो मिल नहीं पाया, उसके बाद भी भाई बंदे ने 3 कर दिया। तो भाई आप खुद डिसएग्री नहीं करोगे कि ये क्यों वन ऑफ द बेस्ट है एट द मोमेंट। काफी सॉलिड अटैक था ये, यहाँ पे मतलब जैप लावलून किया, क्वीन और एक्सपोज ले लिए जैप से, फिर टाउन हॉल नहीं मिल पाया बट रिकवरी काफी सॉलिड थी। एंड फिर उसके बाद लावलून फ्लाइट के ऊपर भी काफी अच्छा कंट्रोल था और एक हेज स्पेल यहाँ पे भाई स्वैग भी कर दिया, अलग ही लेवल का अटैक था भाई ये।
अब तक यहाँ पे क्वीन वॉकर्स के साइड से 2 ट्रिपल हुए एंड 2 टाइम फेल्स हुए हैं एंड MCS के साइड से 3 अटैक में 3 ट्रिपल्स है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट अटैक कैसा होता है MCS का। फिर MCS के साइड से 4th अटैक कर रहे हैं सिंथ एंड ये लेके आए यहाँ पे मास इन्फर्नो ड्रैगन विद लाइटनिंग स्पेल। लाइटनिंग स्पेल कौन लेता है भाई ये अटैक में? तो इन्होंने क्या किया, देखो स्कैटर शॉट ले लिया और ईगल ले लिया एंड अब उसके बाद प्लान क्या देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 बलून ड्रॉप किए आर्चर टॉवर पे जो कि है 2:00 पे और एक बेबी ड्रैगन फनल करने के लिए। तो ये मे भी मल्टी इन्फर्नो लेने का ट्राई करेंगे, अपने मल्टी इन्फर्नो वाला जो साइड है वो अपने सेक्शन है वो अपने हीरो से लेने का ट्राई करेंगे। आरसी डिप्लॉय की थी फनल करने के लिए, मे भी ये आरसी से लेने का ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या प्लान है इनका। बट यहाँ पे हुआ ये कि जो आइस गोलेम था वो पहले ये हो गया, मर गया। तो ये कार ड्रॉप आरसी की एबिलिटी वहां यूज की, एक्सबो अच्छा इनविजिबल। इनका प्लान ये था एक्चुअल में कि इनको लेना था वो मल्टी इन्फर्नो आरसी से बट वो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये अटैक मुझे अब तक ठीक नहीं लग रहा है, अब देखते हैं ये कैसे रिकवर करते हैं। यहाँ पे हीरोज कहाँ यूज करेंगे वो देखते हैं। अच्छा सुपर गॉब्लिन से फनल कर ली एंड फिर किंग और क्वीन डिप्लॉय की वो सेक्शन में। भाई हीरोज अंदर जाएंगे नहीं यार यहाँ पे, ये हीरोज गलत यूज किए इन्होंने क्योंकि हीरोज अब अंदर जाएंगे नहीं। यहाँ पे किंग भी अंदर नहीं गया, क्वीन भी अंदर नहीं गई और इन्होंने बाकी का अटैक स्टार्ट किया 12:00 साइड से। बाकी के पूरे ट्रूप्स डिप्लॉय किए, ई ड्रैगन से फनल किया 11:00 साइड से एंड वार्डन की एबिलिटी दे दी। तो ट्रूप्स तो प्रोटेक्ट हो गए बट बचाऊंगे कैसे भाई अब इन्फर्नो ड्रैगन को? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं बचाने को क्योंकि आप इन्फर्नो ड्रैगन यूज करते हो तो आपको यहाँ पे डिफेंसेस को डिस्ट्रैक्ट करना होता है ताकि वो बचे रहे अटैक में। एंड ब्लिंप में इन्होंने यूज किया है क्या, यहाँ पे बलून्स और ड्रैगन था तो एक रेज पे डालने पे इनको टाउनल तो मिल गया बट अब उतना कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। भाई बचाऊंगे कैसे ट्रूप्स को, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं स्पेल्स वगैरह, ये ट्रिपल नहीं होगा। अब देखते हैं ये मैच का टर्निंग पॉइंट है क्या, मे बी टर्निंग पॉइंट हो ये मैच का क्योंकि क्वीन वॉकर्स के साइड से 2 अटैक अब तक ट्रिपल हुए हैं एंड 2 टाइम फेल हुए हैं। MCS के साइड से पहले 3 अटैक ट्रिपल थे, अब ये अटैक बिगड़ गया, ठीक है। तो ये देखते हैं अब कैसा जाएगा ये अटैक, यहाँ पे कितना परसेंट होगा देखते हैं। इन्फर्नो ड्रैगन 82, अब तक 82 हो गया है, मे बी ये 85-86 के आसपास हो जाए क्योंकि 2 मिनियंस है टॉप साइड में। 85 हो गया, 86 हो जाएगा, मिनियन गया, ठीक है 87 हो जाएगा ये एट मैक्स 87। ये देखो एक आर्चर भी बचा है यहाँ पे एलिक्सर कलेक्टर पे, आप बोल सकते हो कि 730 पे ये आर्चर ले लेगा तो ये 88% हो जाएगा ये अटैक एंड 10-9 मिल पाएगा क्या वो एलिक्सर कलेक्टर? यहाँ पे कितनी हेल्थ बची है यहाँ पे, मे भी मिल जाए तो ये 88% हो सकता है, 88% देखते हैं। नहीं हुआ भाई, टाइम फेल मतलब 87% हुआ, ठीक है। अब क्वीन वॉकर्स की साइड से लास्ट अटैक कर रहा है यूता जो कि क्वीन वॉकर्स के कैप्टन है एंड ये लेके आए यहाँ पे ब्लिजर्ड लावलून। बट इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये क्वीन चार्ज लावलून यूज करते हैं, तो अब देखते हैं ये ट्रिपल कर पाते हैं या नहीं क्योंकि ये डू और डाई है अब। तो ये टाउन हॉल लेने का ट्राई करेंगे ब्लिम से, ब्लिम पहुंच जाएगी टाउन हॉल तक, अब तक सब सही है। यहाँ पे इनविजिबिलिटी स्पेल का टाइमिंग परफेक्ट था, रेज फिर इनको टाउन हॉल मिल जाएगा मेरे हिसाब से। देख ओ भाई यहाँ पे काफी सारे ट्रैप्स है, टाउन हॉल मिलेगा क्या? टाउन हॉल मिल गया एंड सिंगल इन्फर्नो भी मिल गया और सीसी भी बाहर आ गया और ये कैनन भी मे भी मिल जाए, ठीक है। कैनन नहीं मिल पाई, कैनन कोई बात नहीं। अब इन्होंने यहाँ पे जो लावा बचा था सीसी का, जो हेडेंटर थे, मे बी हेडेंटर तो मर गए सुपर विजार्ड के डैमेज से, तो अब लावा पप्स के लिए इन्होंने पॉइजन से ले लेंगे ये। तो लावा पप्स यहाँ पे मिल जाएंगे पॉइजन से एंड उसके बाद एक बोलर से ये लेने का ट्राई कर रहे हैं मोर्टार जो कि है आप बोल सकते हो 8:30 पे, तो मोर्टार मिल नहीं पाई यहाँ पे। और ये हीरोज यूज करना चाहते हैं यहाँ पे स्कैटर शॉट सेक्शन में और ये मे बी ट्राई करेंगे कि इनको जो कोर वाला मल्टी इन्फर्नो है वो मिल जाए आरसी से, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कैसा जाता है अटैक। यहाँ पे एक आइस गोलेम डिप्लॉय किया ताकि इनके हीरोज बचे रहे, हीरोज पे डैमेज ना आए। चलो और एक बलून डिप्लॉय किया था तो वहां पे वो मोर्टार मिल गया, फनल भी हो गई, अब हीरोज जाएंगे सीधा अंदर। एंड यहाँ पे किंग की एबिलिटी बची है, अभी भी क्वीन की एबिलिटी बची है, आरसी अब तक डिप्लॉय नहीं की एंड टाइम भी काफी होते जा रहा है, ठीक है। तो टाइम का इशू ना हो इसलिए इन्होंने फ्लाइट यानी कि लावलून स्टार्ट कर लिया है 4:00 से एंटी क्लॉकवाइज वे में। किंग की एबिलिटी दे दी
तो स्कैटर शॉट मिल जाएगा। भाई आरसी इनको भेजना था मल्टी इन्फोनो पे, बट वो गई नहीं, देखो वो गई स्कैटर शॉट पे। चलो अच्छी बात है, स्कैटर शॉट पे गई तो स्कैटर शॉट मिल गया, बट मल्टी इन्फोनो कोर वाला नहीं मिला। देखते ये भाई कैसा होगा अटैक, ये देखते हैं यहाँ पे। ये ऐसा मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा मुझे कि ट्रिपल होगा, क्योंकि इनका लावालून का जो डिप्लॉयमेंट था वो प्रॉपर नहीं था। अब रीजन ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो लावालून का डिप्लॉयमेंट होता है वो सर्जिकल होना चाहिए, यानी कि एक डिफेंस पे 3 से 4 बलून एट मैक्स, एंड आपको वेट करना होता है बाकी के बलून डिप्लॉय करने के लिए, ताकि जब आपके पहले के बलून आगे प्रोसीड करें उसके बाद आप बाकी के बलून डिप्लॉय करो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही गलती की एंड इनका ये ट्रिपल नहीं हुआ। और ये मे भी देखो कितना होगा परसेंट, ये शायद से 80 के आसपास हो जाएगा। अभी भी एक इनविजिबिलिटी स्पेल बचा है एंड एक सुपर बार, भाई सुपर बार भी लेके आए थे ये सुपर बारबेरियन, तो ये इनविजिबिलिटी स्पेल कहाँ यूज करेंगे भाई, स्वैग कर देंगे शायद से, देखते हैं। लो स्वैग ही कर दिया इन्होंने इनविजिबिलिटी स्पेल, और ये अटैक रुक जाएगा 77% पे मेरे हिसाब से, क्योंकि 16 सेकंड बचे हैं एंड जो मिनियंस है वो स्टोरेजेस को टारगेट कर रहे हैं जिसके हिट पॉइंट्स काफी ज्यादा होते हैं, तो ये मुझे लगता नहीं कि क्लियर होगा। होगा क्या देखते हैं, कि यहाँ पे एक स्टोरेज बचा है एंड 5 सेकंड बचे हैं, तो ये नहीं लगता, मुझे नहीं लगता ये होगा क्लियर। तो एंट्री वगैरह इनकी अच्छी थी, बस आखिरी में इन्होंने जो फ्लाइट वाला पार्ट था लावालून वाला वो गलत हुआ। अब MCS तो ये मैच ऑलरेडी जीत चुकी है, क्योंकि यहाँ पे उनके ऑलरेडी 3 ट्रिपल हो गए थे पहली, एंड यहाँ पे क्वीन वॉकर्स की आप बोल सकते हो कि उनकी किस्मत नहीं थी उनके साथ, क्योंकि जो स्टार्स और स्टार्ड्रा का अटैक था सुपर विच वाला वो टाइम फेल हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं। अब लास्ट अटैक कर रहे MCS की साइड से रेमी ओ, एंड भाई इनके भी अलग ही प्लान रहते हैं, तो इन्होंने 2 स्केलेटन स्पेल डिप्लॉय किया एंड उनको इनविजिबल कर दिया, ठीक है, 2 इनविजिबिलिटी स्पेल से, और एक अर्थक्विक स्पेल भी डिप्लॉय कर दिया। तो उससे हुआ ये कि इनको देखो CC मिल गया एंड इन्फर्नो पे भी थोड़ा सा मल्टी इन्फर्नो पे डैमेज आया। भाई इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने एक सुपर गॉब्लिन डिप्लॉय किया एंड हिस स्पेल ड्रॉप कर दिया, तो ये शायद से मे बी टाउन हॉल लेने का ट्राई करेंगे सुपर गॉब्लिन से, मिल पाएगा क्या। देखो और एक डिप्लॉय किया तो जायंट बॉम्ब वहां पे ट्रिगर हो गया, और काफी 8-9 सुपर गॉब्लिन डिप्लॉय किए हेस्ट के साथ, तो यहाँ टाउन हॉल, चलो टाउन हॉल मिल गया। अब इसके बाद क्या प्लान है देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने जंप स्पेल भी लिया है, भाई आज के डेट में लावालून के साथ जंप स्पेल कौन यूज करता है, ठीक है। तो देखो इनका प्लान क्या है, इनका प्लान मेरे हिसाब से ऐसा है कि मल्टी इन्फर्नो ले लिया जाए आरसी से, एंड इन्होंने हीरो जो कि किंग और क्वीन है वो डिप्लॉय किया है 11 o'clock पे, तो ये ईगल सेक्शन में अपने ईगल सेक्शन में हीरोज को एंटर करवाना चाहते हैं, एंड जंप में भी ये स्कैटर शॉट के लिए यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे देखो जो एनिमी आरसी थी वो लॉक हो गई थी क्वीन पे, एंड ईगल भी लॉक हो गई थी क्वीन पे, तो एबिलिटी बर्न हो गई। अब मुझे लगता नहीं कि इनको यहाँ पे स्कैटर शॉट मिल पाएगा, देखते हैं। ईगल मिल गई एंड क्वीन भी, देखो क्वीन भी जहां पे जाना चाहिए पहले वो गई नहीं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो स्कैटर शॉट नहीं मिलेगा। अब फिर इन्होंने स्टोन स्लैमर डिप्लॉय किया है टाउन हॉल सेक्शन के साइड से, मतलब जो डिफेंसेस थे वहां पे, तो स्लैमर अब बर्स्ट ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक माइन, एक ऑलरेडी ब्लैक माइन लग गई थी उसको एंड वार्डन टॉवर भी था, तो यहाँ स्लैमर ओपन हो गया। स्पेल्स में इनके पास एक फ्रीज बचा है एंड 2 हेस्ट स्पेल है सिर्फ। फिर इन्होंने यहाँ पे हेड हंटर डिप्लॉय कर दिया एंड वार्डन की एबिलिटी दे दी स्टार्टिंग में। भाई ये नहीं होगा मेरे हिसाब से टीम, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा है कि कोर में बहुत सारे रेड बॉम्ब होंगे जो कि आज के डेट में रखते हैं लोग, एंड दोनों स्कैटर शॉट बचे हुए अभी तक, तो ये मुझे लगता नहीं 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टी इन्फोनो भी बचा है एंड बैक एंड में यानी कि 3 o'clock साइड में टेस्ला फार्म भी है, ठीक है, ये नहीं होगा 3। अब मे भी कितना परसेंट होगा ये, भाई मैं जैसा बोला वैसे ही हुआ, क्वीन वॉकर्स की आज किस्मत ही नहीं थी उनके साथ। देखो अगर यहाँ पे लास्ट अटैक यूता का ट्रिपल हो जाता तो यहाँ क्वीन वॉकर्स जीत गई होती फिर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेमियो का ये मेरे हिसाब से 80% भी नहीं होगा, कितना होगा ये 80% हो जाएगा, क्योंकि एक मिनियन बचा है यहाँ पे एंड स्टोरेज पे है वो लॉक्ड, तो ये एग्जैक्टली ये अटैक नहीं 80, आप बोल सकते 81% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आरसी का अल्टार भी दिख रहा है मुझे, तो ये अटैक होगा 81% अगर इनकेस यूता का या फिर स्टार्स का किसी का भी एक का ट्रिपल हो जाता तो यहाँ क्वीन वॉकर्स जीत सकती थी ये मैच, बट ठीक है कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। तो ये थे आज के लाइव अटैक्स एंड आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना जल्दी से, एंड आपके जो भी अगर कुछ आपके सजेशंस हो या अगर आपका जो भी फीडबैक होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मुझे,
एंड जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियो शेयर करो, आपके जो भी फ्रेंड्स लोग क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं सबको बताओ चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी कुछ नया सीख सके एंड उनको भी उनका भी गेम इम्प्रूव हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ।